नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में दुखद खबर सामने आई है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि रात के 2:45 पर अचानक भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। पहले यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, हालांकि स्थिति सामान्य होने के बाद यात्रा बहाल कर दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि घटना त्रिकुट पर्वत पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुई। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आखिर आधी रात धार्मिक स्थल पर ऐसा क्या हुआ जिससे ऐसी घटना सामने आई। इस वीडियो में हम उसी वजह को विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें। नए साल पर श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी पहुंचे थे। वैष्णो देवी भवन खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। भीड़ हजारों में थी। कुछ चश्मदीद की माने तो ये 3 लाख तक थी। दुनिया जब नए साल के जश्न में डूबी थी, उसी दौरान आधी रात के बाद जयकारों का उद्घोष माता की चीख पुकार में बदल गया। वैष्णो देवी परिसर में आधी रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जो श्रद्धालुओं ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। भीड़ के भयानक रेले के बीच भगदड़ मच गई और 13 लोग पिस गए। अधिकतर जवान लोग थे। एक चश्मदीद ने बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी। रात के खौफ को बयां करते हुए इसने बताया कि कैसे करीब 14 साल की बच्ची ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। वहीं श्रद्धालु इस बात से भी हैरान थे कि भीड़ को परिसर में बढ़ने क्यों दिया गया। जब श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर परिसर में बढ़ती ही जा रही थी तो उन्होंने नियंत्रण क्यों नहीं किया। एक चश्मदीद ने बताया नए साल पर क्या स्थिति रहती है ये सभी को पता होता है, फिर ये स्थिति क्यों बिगड़ी। पब्लिक जब इतनी आती है तो पहले तो भीड़ को रोकने का इंतजाम करना चाहिए। ये सब 3 बजे ही क्यों किया गया जब हादसा हो गया। एक श्रद्धालु ने कहा कि भगदड़ में उनका पैर भी लहूलुहान हो गया था। उन्होंने सवाल किया जिस पिलर पर लोग लदे हुए थे वो गिर गया तो क्या होता। पूरी बात यह है कि इस तरह की घटना प्रशासन और व्यवस्था की लापरवाही का नतीजा है। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है और अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी में मची भगदड़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कटरा के नारायण अस्पताल में 13 घायल भर्ती हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा ये जानकर बहुत दुख हुआ कि माता वैष्णो देवी भवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ ने भक्तों की जान ले ली। शोक संतप्त परिवारों के लिए मेरी संवेदना। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा मैं माता वैष्णो देवी तीर्थ पर त्रासदी से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए तुरंत कटरा जा रहा हूं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा ने कहा है कि कटरा में माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। PMO की तरफ से ट्वीट कर बताया गया भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रही राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि कितने ही श्रद्धालुओं ने वहां सबके आंखों के सामने दम तोड़ दिया और यह हादसा वाकई दुखद पूर्ण था।